दोस्तों आज बनाएंगे बीटरूट फ्राई। इसके लिए मैंने दो बीटरूट लिए मीडियम साइज के, तो एक तो मैंने काट के रख दिया है और एक आपको दिखाने के लिए अभी इसको काटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीटरूट को अच्छी तरह से धो लेंगे। पहले धो लेंगे, बीटरूट काटने के बाद नहीं धोते हैं, इसको पहले धोया जाता है। फिर इसके ये ऊपर वाला हिस्सा हम इसको काट लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा काट लिया और ये नीचे वाला हिस्सा भी थोड़ा काट लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से छील लेंगे। देखिए हम कैसे इसको छीलते हैं। पीलर से इसका जो ऊपर वाला है छिलका है इसको पील ऑफ कर देंगे इस तरह से। ये पील ऑफ हो गया। अब जो बीटरूट मेरे पास बचा हुआ है, जो मैंने पील ऑफ कर लिया था, अब इसको मैं चॉप करूंगी। इसके लिए मैंने एक चॉपर लिया है और उससे मैं इस तरह से गोल गोल आकार में काट लूंगी। ये काट लिया, अब इसको देखिए मैं कैसे इस तरह से मैंने इसको काट लिया। अगर हम इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, देखिए इस तरह का टुकड़ा आएगा। और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इसी तरह मैं बाकी जितना है इसको इसी तरह चॉप कर लूंगी। आप चाहें तो इतना बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको। और ये मेरा चॉपर से बहुत अच्छी तरह कट जाता है। तो मेरे पास रेडी हो गया बीटरूट। इस तरह से मैंने काट लिया, धोने के बाद पील ऑफ किया, उसके बाद चॉपर से अच्छे से काट लिया। अगर हम इसको ग्रेट करते हैं तो क्या होगा,
जब ग्रेट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तो ये एकदम से हलवा जैसा बन जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। अगर थोड़ा क्रंची रखना है तो इसको इस तरह से काट लीजिए और थोड़े से मटर के दाने मैंने लिए हैं इसके साथ तलने के लिए, थोड़े से मटर के दाने लिए हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए मैंने क्या क्या लिया है। लिया है काला जीरा, थोड़ा सा उड़द की दाल, धुले हुए उड़द की दाल जरा सा छौंकने के लिए, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते बस, और नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। अब देखिए मैं कैसे इसको फ्राई करती हूँ। तेल मैंने चढ़ा दिया है, तेल मैंने चढ़ा दिया है, फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, एक चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। गैस ऑन कर दिया है, अभी इसको गर्म होने को रख दिए हैं। ये ऑलमोस्ट गर्म होने हो गया है, अब इसमें डालेंगे काला जीरा, उड़द की दाल, थोड़ा सा, और इसको फ्राई करेंगे, इसको फ्राई कर रहे हैं। अब ये जो कड़ी पत्ते थे इसको भी डाल दिया, कड़ी पत्ते भी डाल दिया, इसको फ्राई होने देते हैं। ये फ्राई हो गया है, अब इसमें हम जो हरी मिर्च काट के रखे थे उसको डाल दिया और इसको भी फ्राई कर लिया। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो एक सुगंध तो आएगी, कड़ी पत्ता डला हुआ है ना तो सुगंध तो आएगी। अब हम इसमें ये सारे जो मैंने बीटरूट कट करके रखा है और जो मटर के दाने कट करके रखे हैं सारा एक साथ डाल देंगे और इसको इसको तलेंगे। बीटरूट तो आप जानते ही हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको आप सूप में डालिए, आप इसकी सब्जी में भी डाल सकते हैं और इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। मुझे तो ये फ्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल भी होता है, तो आप जब सर्व करेंगे डिशेस तो उसमें कलर तो आता ही है, बीटरूट अपने आप में सुंदर दिखने में लगता है। सलाद में खाइए। ये देखिए मैं इसको फ्राई करने देती हूँ, अभी इसमें हम नमक हल्दी नहीं डालेंगे, पहले इसको थोड़ा फ्राई होने देते हैं ताकि ये, अगर हम पहले ही नमक डाल देंगे तो ये एकदम से पानी छोड़ देगा, तो अभी नहीं डालेंगे, पहले इसको फ्राई होने, ढक्कन लगा देते हैं।
ताकि ये फ्राई होता रहे। एक बार हम ढक्कन उठा के देख लेंगे कि कहाँ तक तैयार है। देखिए काफी अच्छा फ्राई हो गया है। काफी अच्छा फ्राई हुआ है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी। इसको सौते करके पूरा मसाला क्या और नमक हल्दी इसमें खूब अच्छे तरह से मिल जाए और ये नरम हो जाए। हो गया। फिर इसको ढक देते हैं। ढक्कन खोलते हैं। 5 मिनट हो गया है। ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं कि ये इसका क्या पोजीशन है। बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है देखिए। और आपको हम दिखाने के लिए इसको काटते हैं, झट से कट जाता है। क्रंची भी है लेकिन फ्राई भी खूब बढ़िया हो गए हैं। अब इसको गैस ऑफ करते हैं और इसे स्लांट पोजीशन में रखते हैं। स्लांट पोजीशन में रखने से क्या होगा, जितना तेल इसमें है एक्स्ट्रा ये निकल आएगा। देखिए तेल इसका निकल आया। इसका निकल आया। अब हम इसको बोर्ड में ले लेते हैं। बोल में मैंने इसको निकाल दिया। अब मेरे पास एक ही काम बचा है। ये मेरा तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्वाद के लिए थोड़ा सा मक्खन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मक्खन इसके ऊपर डाल देते हैं। तो चूंकि ये गर्म है तो ये अपने आप गल के मिक्स हो जाएगा। बाद में आप उसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा। थोड़ा सा मक्खन उसको
परसेंट डाल दिया है ताकि स्वाद में बढ़ोतरी हो जाए। बाकी ये फ्राइड तो है, आप इसको वाइट ऑयल में करिए चाहे ऑलिव ऑयल में करिए, खाने में टेस्ट आएगा। ऑलिव ऑयल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए कैसा लग रहा है आपको, है ना सुंदर, देखने में भी अच्छा लगता है, कलर भी होता है फूड में और आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाल कर मेरे इस रेसिपी को देखा। अब ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। स्वाद के लिए थोड़ा सा मक्खन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मक्खन इसके ऊपर डाल देते हैं। तो चूँकि ये गर्म है तो ये अपने आप गल के मिक्स हो जाएगा, बाद में आप उसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा। थोड़ा सा मक्खन उसको ऊपर से डाल दिया है ताकि स्वाद में बढ़ोतरी हो जाए। बाकी ये फ्राइड तो है, आप इसको वाइट ऑयल में करिए चाहे ऑलिव ऑयल में करिए, खाने में टेस्ट आएगा। ऑलिव ऑयल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। कैसा लग रहा है आपको, है ना सुंदर, देखने में भी अच्छा लगता है, कलर भी होता है फूड में और आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाल कर मेरे इस रेसिपी को देखा। अब ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।